अस्सलामुअलैकुम, आतिफ बंगश अपनी 48th एपिसोड के साथ। और फेसबुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, फेसबुक को हम अपने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 3 एपिसोड से हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया और आज मैं थोड़ा सा और पोस्ट के हवाले से और उनकी डिज़ाइनिंग और उस हवाले से मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको इन डेप्थ टेक्निकल ऑन हैंड ट्रेनिंग तो दे नहीं रहा, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपसे, जिसको सुनने के बाद आप हो सकता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं और उनका जो इम्पैक्ट है, उनके जो रिजल्ट्स हैं, वो बेहतर हो जाए। तो ये बाकी सब कुछ आपको प्रैक्टिकली जा कर तो देखना है, वहीं करना है, फेसबुक एड मैनेजर में, स्टूडियो में, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस तरह ज़्यादा आते हैं, किस तरह कम आते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा, या जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो उनसे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। हम शुरू करते हैं आज टाइप्स ऑफ पोस्ट पाए। देखें, आप कई किस्म के पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट बेसिकली देखें, पहली चीज़ ये कि दो चीज़ें आपके पास, एक पेज आपका जो आपका आइडेंटिटी है फॉर योर बिजनेस या कॉज या जो भी आपका टॉपिक है पेज का वो, और दूसरा उसके अंदर जो टाइमलाइन चल रही है। अब इन दोनों को आप प्रमोट कर सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो पेड है या ऑर्गेनिक है या कोई भी चीज़ है, वो इसी पेज के एलिमेंट्स के पास के लिए अवेलेबल है। या तो आप पेज को प्रमोट कर सकते हैं या आप अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और है कि आप अगर कोई वेबसाइट आपकी कोई और है, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट पे आप ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाह रहे हैं फेसबुक से, जो आपके पेज पे आएंगे लोग या जो भी आप पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं इससे कि अगर आप अपना जो एंडिंग पॉइंट है, जो ऑन क्लिक कन्वर्जन है, वो आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे दे दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप प्रमोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तकरीबन एक ही होता है कि आपने या तो एंगेजमेंट अपने पेज पर ज़्यादा करनी है, या अपनी पोस्ट पे ज़्यादा करनी है, या अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा करनी है। और उसका जो अगर हम सेल्स फनल की बात करें, तो आपने कन्वर्जन कैसे करनी है कि आपका जो एंड रिज़ल्ट है, जो आप डिसीजन करवाना चाह रहे हैं यूज़र से, वो क्या है। अब अगर पेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका डिसीजंस और कन्वर्जन क्या होगी आपकी कंपेन की, कि आप कोई भी बंदा आपके पेज को आके फॉलो कर लें, लाइक कर लें, दिस इज़ कन्वर्जन। उसके बाद पोस्ट के हवाले से हम देखते हैं, तो पोस्ट के हवाले से या तो आप चाह रहे हैं कि उस पोस्ट पे लोग रिएक्शन दें, यानी कि लाइक या हार्ट या डिसलाइक और एनीथिंग, तो वो आपकी कन्वर्जन है। दूसरी चीज़ इसके आगे आती है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट पेज के हवाले से तो वही है कि पेज के मुख्तलिफ पार्ट्स में आके लोग लाइक कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को देख रहे हैं, तो आपकी एंगेजमेंट, पेज की जो एंगेजमेंट है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़ पोस्ट के हवाले से ये है कि पोस्ट पे आके लोग उसको देखना, उसको उस पर क्लिक करें, उस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट का जो एंड रिज़ल्ट है, यानी कि क्या वो पोस्ट आपको किसी एक्सटर्नल लिंक पे लेके जा रही है, वो आपकी कन्वर्जन है। अब उसको हम अगर और एक्सटेंड करें, तो अगर एक्सटर्नल लिंक पे जा रही है, यानी वेबसाइट पे जा रही है, तो अगर आपने उस पर साइन अप करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, या किसी और कोई और एक्शन फर्दर करवाना है उस पेज के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर, तो आप अपने सेल्स फनल को वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे एंगेजमेंट जा रहे हैं, तो आप कई किस्म की पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो यही कि रिएक्शंस, जैसे मैंने डिस्कस किया, दूसरा यह कि एंगेजमेंट, यानी कि क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन प्रोवोक करना। तो उसमें अब फेसबुक ने ये आपको बता दिया, जब आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आप कई किस्म के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो कि जैसे ही आपकी पोस्ट पर कोई आएगा, तो उसके सामने आपका जो मैसेंजर है, वो 3-4 जो पॉसिबल एंगेजमेंट क्वेश्चंस हैं, वो उसके सामने आ जाएंगे, तो वो आपसे पूछ सकता है फर्दर डिस्कशन। वो ये है कि एक इनिशिएट हो जाएगी
क्या नाम है डिस्कशन, बाकी आपके आगे फर्दर है। इसमें लोगों को बाज़ दफ़ा पता भी नहीं लगता कि वो कोई कर गए हैं, कोई क्वेश्चन क्लिक कर गए हैं, तो आपको हो सकता है कि वहीं पे ही आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद होता है लीड जनरेशन पोस्ट होती हैं। लीड जनरेशन पोस्ट में आप जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म बनाने की एक फंक्शन मौजूद होता है कि आप उसमें एक नेम एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह आप पूछ सकते हैं। ये ज़्यादातर कामयाब है मोबाइल इंटरफेसेस के लिए। इसमें ये होता है कि जैसे ही अगर जो आपका टारगेट कस्टमर है या क्लाइंट है वो आपका पोस्ट खोलता है तो उसके सामने एक छोटा सा फॉर्म पॉपअप हो जाता है जो कि ऑटो फिल होता है। वो अपने आपके फ़ोन से आपका फ़ोन नंबर भी निकाल लेता है, आपका नाम भी निकाल लेता है और आपका ईमेल अगर दिया हुआ है तो वो भी निकाल देता है। तो बाकी बस उसने सिर्फ एक क्लिक करना होता है यस, जो आपको एक लीड की शक्ल में आपके साथ आप सामने आ जाता है। अब फेसबुक ने आपको लीड जनरेशन और CRM कहना चाहिए इसको, कि कस्टमर रिलेशनशिप का एक कंप्लीट मॉड्यूल दे दिया है अपने एड मैनेजर में, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपकी डिस्कशन चल रही है, जो पॉसिबल लीड्स आई हुई हैं वो किस स्टेज पे हैं, उनसे किस लेवल तक बात हो चुकी है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ आ गई। तो इसमें भी वही बात कहूँगा कि इसमें खदशात वही होते हैं कि बहुत सारे लोगों को जब आप मैसिव कंपेन कर रहे होते हैं ना बहुत सारे, तो ये जो फेसबुक है वो आपका जो कंटेंट है वो थ्रो कर रहा होता है। जब आपने बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकली या फिल्टर्स नहीं लगाए हुए तो वो बग़ैर सोच समझे लोगों को आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट या रिएक्शंस लेने की कोशिश कर रहा होता है जितना आपका बजट है। तो बहुत सारी ऐसी लीड्स जो है ना वो रॉ होती हैं, वो इतनी मेरा ख्याल है क्लोज नहीं हो सकेंगी आप आगे जाके। लेकिन इसके अलावा फेसबुक और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। या तो वो इंगेजमेंट क्रिएट करेगा क्वेश्चन आंसर की सूरत में, उसमें भी मिसलीडिंग हो सकती है, लीड जनरेशन करेगा उसमें भी लोग वो उस इतना हो सकता है कि अगर आपको 400 लीड्स आई हैं तो हो सकता है कारामद उसमें 10 या 15 ही, बाकी लोग वैसे ही करते करते वो उनको पता भी नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पोस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक स्टैटिक इमेज की तरह का एक पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका आर्टिस्टिक या आपकी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है या आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कितनी अच्छे खूबसूरत तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को उस फोटो पोस्ट में क्रिएट करता है, दैट इज़ अनदर टॉपिक। और उसमें आपकी जो पोस्ट, इसमें देखना चाहिए कि दूसरे जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं ओवर द सोशल मीडिया वो किस तरह की कंपेन्स कर रहे हैं, वो किस तरह की पोस्ट क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा उतनी अच्छी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे। देखें दूसरा स्टेटस, आप सिंपल अपने टाइमलाइन पे एक सिंपल नरेशन भी लिख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हो सकती है, या फिर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो इम्पैक्ट सबसे अच्छा होता है, डिपेंड करता है कि किस जियोग्राफिकल एरिया में आप कंपेन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट और इन एरियाज़ में बात करूँ तो यहाँ पर जो वीडियो एड्स या वीडियो पोस्टिंग्स हैं वो बड़ी कामयाब हैं। करना सिर्फ इसमें यह है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो कंपेन है वो किस मुल्क में चलाने जा रहे हैं, किस एरिया में चलाने जा रहे हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड है या स्कैटर्ड है या जिस तरह भी है, फिर उनके कल्चरल, उनका टुवर्ड्स उनकी टेक्नोलॉजी में उनका कितना यूजेज है, और वो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं उसके मुताबिक। तो एक जनरल ट्रेंड हमें पता है कि अगर हम जब वीडियो हमारे यहाँ इस रीजन में जब वीडियो एड्स चलते हैं तो उसकी तरफ लोग ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। और आजकल क्योंकि ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है फेसबुक है वो फेसबुक ये मोबाइल से एक्सेस होता है तो उसमें वीडियोस एकदम आती हैं, देखते हैं और रिएक्शन दे देते हैं लोग, जो भी आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है। तो इसलिए एक जनरल हमने एक, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो जब आप वही उतने ही बजट में कोई कंपेन चलाते हैं किसी स्टैटिक इमेज की या किसी एनिमेटेड पोस्ट की, और फिर चलाते हैं जब वीडियो की,
तो उनमें उनका जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं ये गाइड करता हूँ, मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप इस्लाम पाकिस्तान में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, श्रीलंका में हैं, बांग्लादेश में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि अपने पोस्ट को एनिमेटेड या वीडियो की तरफ जाएं, तो आपको इनको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर जब हम बिल्कुल इसके बरक्स अगर यूरोप में चले जाएँ, कनाडा अमेरिका में चले जाएँ, तो आपको वहाँ पर जो एड्स मिलेंगे वो बिल्कुल एक इमेजेस मिलेंगे और कैप्शन पे ज़्यादा जोर चला जाएगा कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है इंग्लिश में उस पे ज़्यादा जोर चला जाएगा। वो सिंगल एक बिल्कुल एक सिंपल सी इमेज यूज़ करते हैं और उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेशन, और वो भी बहुत सिंपल एनिमेशन के साथ और बहुत सिंपल छोटे आठ सेकेंड, चार सेकेंड या मैक्सिमम 10 सेकंड की वीडियो क्रिएट करके उसको उन्होंने प्रमोट किया हुआ होता है। क्योंकि एक जनरल जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से ये हमारा जो इंटरटेनमेंट का टाइम है किसी के लिए भी, वो बहुत कम हो गया। मैंने इसमें ये भी, इसके ऊपर भी मैं आपको कभी गाइड करूँगा कि अब क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 घंटे या 3 घंटे के ड्रामे देखें, फिल्में देखें, तो वो जल्द से जल्द चीज़ें छोटे, जैसे अभी आपने देखा ना टिकटॉक क्यों इतना ज़्यादा ऊपर गया, इस वजह से कि लोग जस्ट 1 मिनट एंटरटेनमेंट करते हैं और उनके पास वैरायटी ऑफ कंटेंट आता है। तो इसी तरीके से फेसबुक में भी व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग, जब आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है, वो जब स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसके पास जो बीच में एक वीडियो आती है जो ऑटो प्ले होती है, और उसके पास देखें कितनी बड़ी चॉइस है कि वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो उसको रुक जाए और उसको देख ले। तो ये चीज़ आपको देखनी, जैसे अब फेसबुक ने मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दी है उन पेजेस के लिए जिनके 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और वहाँ पे आपकी जो 3 मिनट से ज़्यादा की जो फुटेजेस हैं वो ज़्यादा होती हैं पेज पे जो वीडियोस लगी हुई होती हैं, तो उन पे अब फेसबुक ने भी एड लगाने शुरू कर दिए हैं। तो उससे आपको भी फ़ायदा है, आप भी कमा सकते हैं कुछ, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं जिसमें इमेजेस हैं, जिसमें आपके एनिमेशंस हैं और जिसमें आपकी वीडियोस हैं, यही चीज़ें। और ये सारा डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे और आपका जो मैसेज है उसको कितने अच्छे तरीके से कम वक्त में आप फौरन डिलीवर करते हैं उस ब्लिंक ऑफ द आई में जब वो स्क्रॉल कर रहा होता है स्क्रीन पर। तो इसमें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और ट्रिक, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और छोटा सा पॉलिसी मैटर आपको बता दूंगा। जब आप इमेज यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि उस पर कम से कम टेक्स्ट यूज़ करें। मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं कि जी हमने ऐड बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, हमने जब उसको बूस्ट पर लगाया तो फेसबुक उतनी कवरेज उसकी उतनी नहीं हुई, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया, और या फेसबुक ने उसको चलाने से इनकार कर दिया। तो इसमें मैं आपको, यही वजह है कि आप पॉलिसीज़ नहीं बन पढ़ते। एक बड़ी सादा सी पॉलिसी और फेसबुक की है कि आपका जो इमेज है, जितना भी उसका साइज़ है पिक्सल्स में, उसमें 20% तक का टैक्स होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। जैसे ही आप 20% से ऊपर जाएंगे, 25% या 30%, 40%, 50%, तो उतना ही पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा, वो उसका जो स्प्रेड है वो रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा फेसबुक पॉलिसी। अगर आप 50-60% पर हैं तो फेसबुक जब आप उसको बूस्ट करने लगेंगे वो पहले ही आपको अलर्ट भेज देगा कि ये इसका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना हमारा ऑटो एस्टिमेटर जो है वो बता रहा है। और उसके लिए फिर आपको मैनुअल उसका क्लिक करना पड़ता है कि इसको आप, वो जो फेसबुक की टीम है या जो भी उनका प्रोसेस है, वो मैनुअली उस पोस्ट को चेक करे कि आया ये चल सकती है या नहीं चल सकती। लेकिन अगर आप 80-90% से ज़्यादा टैक्स चले जाते हैं तो उनका जो फेसबुक का जो एड मैनेजर है वो उसको अप्रूव भी नहीं करेगा, तो इसलिए आपका एड जो है वो नहीं चल पाएगा। तो इसमें सिंपल इतनी सी बात याद रखें कि आपने इमेज साइज़ की रेशो के मुताबिक 20% से ज़्यादा टैक्स उसके ऊपर नहीं लिखना। अगर आप इंटरनेशनली जो
बड़े जाइंट्स हैं, बड़ी जो वो जब फेसबुक वगैरह को या सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो उनके एड्स को ऑब्जर्व करें, वो सिंपल इमेजेस यूज़ करते हैं जिन पे कोई टेक्स्ट ही नहीं होता, वो सारा टेक्स्ट जो है अपना कैप्शन वगैरह पे लिखते हैं। अच्छा, और दूसरा मैं बता दूँगी, ये जो 20% रूल है ये वीडियोज़ वगैरह पे नहीं लगता। वीडियोज़ वगैरह आपको मैं बताऊँ उतनी अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देंगे जितनी वो छोटी होंगी, या आप एक स्टैंडर्ड बना लेंगे 8 से 10 सेकंड की आपकी वीडियो होनी चाहिए जो अपना मैसेज दे और जाए। अगर आप वैसे आप इंफॉर्मेशन के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं पेज के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप लंबी डेमोन्स्ट्रेशन लंबी ये क्या कहते हैं वीडियोज़ वगैरह डाल दें उसकी उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको आपने बूस्ट नहीं करना। लेकिन जिन लोग जिनको आपने पेड या ऑर्गेनिक तरीके से स्प्रेड करना चाहते हैं कि वो फैलें, लोग शेयर करें, तो उसका ड्यूरेशन जितना कम रख सकते हैं उतना रखें। ये हो गया। उसके बाद हम और क्या चीज़ देख सकते हैं इसमें, कोशिश करें कि ऐसी पोस्ट वगैरह यूज़ करें जिसमें क्वेश्चंस हों ताकि एंगेजमेंट बढ़ सके। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि फिर टाइम ज़्यादा होता जा रहा है इसका वीडियो का, तो यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि इस डिस्कशन को कि जिसमें अब आज हमने मुख्तलिफ एड साइजेस एड्स, अच्छा इसमें ये मैंने नहीं बताया शायद कि एड साइजेस जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के। अगर हम फेसबुक के देखें, अगर आप गूगल करेंगे ना आपको डिफरेंट साइजेस पोस्ट के मिल जाएंगे, उन वही साइज़ रखा करें। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आप कोई एनिमेटेड ग्राफिक बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं या पोस्ट बना रहे हैं, तो उसका ख्याल रखा करें कि मुख्तलिफ साइजेस कई तरह से आपने जज करना है। और ये सब गाइडलाइंस अवेलेबल हैं कि आपने देखना है कि मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस पर मुख्तलिफ किस्म के जो पोस्ट हैं वो कैसी लगती हैं। कहीं पे वो ये ना हो कि वीडियो आपने छोटी बनाई हो तो वो बहुत सा एरिया ब्लैक साइडों पे नज़र आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कई सूरत में हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है क्योंकि जो बहुत सारे एड्स हम बनाते हैं, ज़्यादातर जो हमारा कंसंट्रेट है आजकल वो मोबाइल डिवाइसेस पे है, तो जो वीडियो या ग्राफिक एड्स आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स पे अच्छे नहीं लगेंगे, उन पे स्पेसेस साइट पे मार्जिन्स नज़र आएंगे, वो आपको इस पे मोबाइल्स पे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे होंगे। तो हमें कुछ मिक्स एंड मैच की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते थे, कुछ एड्स हमें उस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो कि लैपटॉप पे बैठे हैं, आप टैबलेट पे बैठे हैं, और कुछ एड्स हमें उनके लिए बना रहे हैं जो कि इसको मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस कर रहे हैं। तो साइजेस का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मैंने देखा है गलती करते हैं कि वो जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, वही पोस्ट वो फेसबुक पे भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फेसबुक की जो टाइमलाइन की डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं, उसमें उनको डिफरेंट साइजेस चाहिए, इंस्टाग्राम में डिफरेंट चाहिए, लिंक्डइन में डिफरेंट चाहिए। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। साइजेस को हमने डिस्कस किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, फिर 20% का रूल मैंने आपको बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। फिर अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना हूँ फिर, क्योंकि हमने अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही और तरफ जाना है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट जो है ना यहीं पे हम ख़त्म कर दें। एड मैनेजर में जब आप जाते हैं ना तो आपको जो यह ऐसा करते हैं कि हम एड मैनेजर और टारगेटिंग और ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। इस वीडियो को हम पोस्ट्स डिज़ाइनिंग टाइप्स ऑफ पोस्ट तक ही महदूद रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो जब हम पोस्ट बूस्ट कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस तरह की सेटिंग्स करनी है, कौन सी सेटिंग से कम इम्पेक्ट आएगा, कौन सी सेटिंग से ज़्यादा है, तो हम उसके लिए एक अलग टाइम ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा काम है ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, ये आप घर से शुरू कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस ही चाहिए, एक अच्छा सा अकाउंट चाहिए,
और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे आप पेमेंट्स वगैरह कर सकें क्लाइंट के बिहाफ पे, और ये आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने करीब जो बिजनेसेस हैं, सुपर स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, सैलॉन्स हैं, हर तरह का बिज़नेस आपके पास है, उनको जाके ऑफ़र कीजिए कि आपको हम फेसबुक में प्रमोट करते हैं, क्योंकि फेसबुक तो आप बिल्कुल आपका जियोग्राफिकली माइक्रो हो गया है ना, तो आपको किसी हिस्से में आप रहते हैं लाहौर में, लाहौर के किसी हिस्से में, तो आप उसको किलोमीटर्स माइल्स के हिसाब से नैरो डाउन कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा और बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ वो आपको अलर्ट आ जाएगा फौरन। तो आई होप कि ये जो फेसबुक की चीज़ें हैं आपको काम आ रही होंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कोई फिक्स एक शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, मैं बस पिछली एक वीडियो को देखता हूँ, फिर उससे आगे चले जाता हूँ, उससे अगले टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। जनरल डिस्कशन है, उसमें नीचे कमेंट दे के आप ज़रूर मुझे बताएंगे आपको फ़ायदा हो रहा है इन तमाम मेरी वीडियोस का कि नहीं हो रहा, या किसी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं आप। मेरे मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, मेरा ईमेल नंबर भी अवेलेबल है, तो ज़रूर पूछें, मुझे बताने में, मुझे सिखाने में बहुत खुशी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।